यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखने लायक है क्या आखिर। अंदर जाते हैं फिर दिखाते हैं आपको क्या है। और ठंडा ऊपर आ गए हैं और कुछ खास नहीं, पर यहाँ पे ऊपर से मतलब पूरा एरिया और जो यमुना नदी है यहाँ की वो नज़र आ रही है। काफ़ी बढ़िया व्यू है और कुछ खास भी नहीं है पर देखने में बढ़िया है। और यहाँ से जो हाइट वाइट है और हाँ हाइट के हिसाब से बढ़िया है, और जो सबसे ऊपर का एरिया जो यहाँ के बना हुआ है यहाँ वो दिख रहा है। और सन्नाटा देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये टूरिस्ट प्लेस माना जा रहा है। वैसे देखने में बढ़िया है, आना चाहिए पर कोई आता नहीं यहाँ पे। मुझे तो काफ़ी लोग टहल रहे हैं, हम लोग काफ़ी ऊँचाई पे हैं। ऑलमोस्ट ये 10 मंजिल का कुछ लग रहा है, स्टेशन पास है और ये पूरा एरिया है देखने लायक। ये कुछ मंदिर है जो बुक में देखने को मिला था, पर काफ़ी दूर है यहाँ से तो पूरे दो मतलब यमुना नदी पार करने के बाद। और नीचे देखिए सब लोग मतलब झूला वूला झूल रहे हैं, यही है हमको लगता है देखने का यहाँ का व्यू। झूला झूल रहे हैं, पार्क टाइप में बना हुआ है। और ये हाँ ये भी सब पार्क टाइप में ही एरिया है। और यहाँ से मतलब एरिया ही है पूरा दिख रहा है यहाँ से, देखिए कैसा क्या एरिया है। ब्रिज है वो, और वहाँ पे भी कोई मतलब ये कोई वो है मंदिर शायद है, वहाँ पे भी नाव चल रही है। जैसे कि हम लोग सुबह गए थे दर्शन करने के लिए, और ये पीछे तो पूरा खंडहर है, कुछ नहीं, छत एक तरीके से किसी घर की छत देखने में लगती वैसा ही है। फिर देखते हैं हर एंगल से क्या क्या व्यूज़ नज़र आते हैं यहाँ के। यहाँ पे काफ़ी मज़े कर रहे हैं, ये देखो पता नहीं क्या कपड़ा लिए उतनी देर से घूम रहा ये। अरे बुकलेट में देख के तो हम लोग यहाँ तक आ गए यमुना का किला देखने, पर यहाँ पे कुछ खास देखने वाला है नहीं। और जैसा भी है हमने आपको दिखा दिया कि सिर्फ छत एक है और छत से देखने पर व्यू कुछ बढ़िया ही आता है। हाँ बंदर अंदर खूब हैं यहाँ पे, और गाय वाय हैं, चारा चल रही, बस यही है किले में और कुछ नहीं है। और देखने में तो पूरा वैसे घर टाइप में लग रहा है। अब यहाँ से निकल रहे हैं, फिर देखते हैं कहाँ का प्लान बन रहा है। उल्टा बैठ चले, फिर निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं फिर कहाँ जाते हैं। बस हो रहा है स्टेशन के लिए, दूध यहाँ का ट्राई कर लें। पूरी रोड पे कहीं मार्केट नहीं मिली, मतलब यहाँ पे दूध दूध का शॉप मिली है, तो देखते हैं और बताते हैं कैसा। काना दूध लस्सी एंड जूस भंडार। काना काना दूध लस्सी एंड दूध जूस भंडार स्पेशल है कुछ, देखते हैं कैसा क्या ट्राई करके। चौक बाजार रोड है, मंडी रामदास मथुरा। ट्राई करते हैं फिर बताते हैं कैसा रहेगा। टेस्ट बढ़िया है वैसे, देखते हैं। चम्मच ठीक है, दूध फिलहाल ख़त्म कर दिया है। और यहाँ का जो एक्सपीरियंस आया बहुत ही बढ़िया है, और जो दुकान है आपके नाम मेंशन कर चुके हैं पहले भी, और ये काफ़ी बढ़िया टेस्ट है। और जो भी यहाँ के मथुरा के लोग हैं
विजिट कर सकते हैं यहाँ का। और मथुरा में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, मतलब सस्ते में और अच्छे में काफ़ी आप अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे सस्ते और अच्छे चीज़, मतलब क्वालिटी अच्छी है यहाँ की, और यहाँ के लोगों का नेचर भी उनका सही लगा है। और आगे जाते हैं अब स्टेशन, कंटिन्यू बने रही है ब्लॉक। फाइनली मथुरा स्टेशन पे आ गए हैं और यहाँ पे पीछे मथुरा जंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ का पेमेंट वेमेंट कटवा करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से मथुरा स्टेशन के लिए। वहाँ पे जाके पता करेंगे ट्रेन का क्या रूट है, कैसे क्या, मतलब सब इंक्वायरी लेंगे, फिर बाद में वहाँ से प्लान करेंगे कहाँ क्या करना है। आगे हम लोग मथुरा जे मथुरा जंक्शन और अभी पहुँच रहे हैं स्टेशन पे। ये आए हम लोग मेन स्टेशन पे मथुरा के, मथुरा जंक्शन, और अब जा रहे हैं टिकट का पता करने के लिए, फिर रिजर्वेशन करवाएंगे सुबह के लिए। फिलहाल मथुरा स्टेशन पे ही रुकेंगे फिर सुबह तक की, या फिर आसपास कहीं देखेंगे कुछ अगर मिलती व्यवस्था। वेट करते फिलहाल मथुरा स्टेशन पे। मथुरा का स्टेशन काफ़ी बढ़िया बना है, और ये देखिए यहाँ पे घड़ी जो लगाई गई है बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। यहाँ के टाइम देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल हो रहा है 4:50। वेट करेंगे और चेक करेंगे ट्रेन सुबह के लिए, कल निकलती मत आगरा के लिए फिर निकल। यहाँ पे बंदर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, डिजाइनिंग यहाँ पे बहुत बढ़िया है मथुरा स्टेशन की। मेन एक बढ़िया होती है, बढ़िया से ज़्यादा बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टेशन यहाँ का। फाइनली फिर से स्टेशन से आ गए हैं और प्रेम मंदिर देखने के लिए, और फिर निकलेंगे यहाँ से, दिखाते हैं प्रेम मंदिर और अंदर जाते हैं, एंट्री करते हैं। एंट्री कर रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है अब दोपहर के। अंदर आने एंट्री नहीं दे रहे थे, अब फिलहाल आ गए हैं, हैवी बैग मना हो रहा था यहाँ पे, आ गए फिलहाल अंदर का व्यू दिखाते हैं। बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है, स्पेशल व्यू है, बढ़िया व्यू है। अरे यार धक्का मुक्की, ये झांकी है रात की और देखने के लिए बहुत ही बढ़िया शानदार। अब और ही पास का व्यू है, बहुत ही बढ़िया व्यू ये। अरे लाइटिंग, क्राउड है यहाँ का बहुत ही ज़्यादा। थोड़ी देर में कलर चेंज हो रहा है इसका, बहुत ही शानदार मंदिर। ये देखो मंदिर, प्रेम मंदिर कितना बढ़िया लग रहा है, कलर चेंज हो रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। ये देखो कलर चेंज हुआ, वापस निकल रहे हैं उन्नाव के लिए। और यहाँ से जाएंगे पहले बस स्टैंड, वहाँ का बस बस चेक करेंगे, रात को अगर मिलती है तो सही है, नहीं तो कुछ टिकट हम लगा के ट्रेन ही लेंगे। कुछ चार्जर्स देने के बाद बता रहे थे ट्रेन मिल सकती है, तो अप्लाई करेंगे वही चार्जर जो वाला कोड, प्रोमो कोड, और फिर चलते हैं उन्नाव के लिए। पहले आगरा जाना पड़ेगा, यहाँ से आगरा के लिए ट्रेन लेनी है, तो चलिए फिर चलते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए फ्री होके बात करते हैं। इतने एफर्ट चलने के बाद अब निकल रहे हैं मथुरा से आगरा के लिए वापस, और फिर वहाँ से ट्रेन करेंगे उन्नाव वापस होंगे। बहुत ही एफर्ट हुए हैं, तो सब एफर्ट्स बता नहीं सकते क्या क्या हो गया है। वैसे आगे का जो कंटिन्यू करेंगे जो भी कुछ होता है फिर मिलते हैं। अकेले जा रहे हैं फिलहाल, बस खाली पड़ी, वैसे तो कुछ नहीं है वैसे। फाइनली मैं आगरा फोर्ट पे आ गया हूँ, और सो गया था बस में, इस वजह से व्लॉग नहीं शूट कर पाया, और अब एकदम अलग ही फील आ रहा है एक नींद पूरी होने के बाद। और कुछ ऐसा सीन था कि यहाँ का आगरा बस, मतलब बस स्टैंड से यहाँ का जो है 100 रुपये उन्होंने लिए 4 लोगों के। फिलहाल अब आ गए हैं फोर्ट के जस्ट सामने ही है,
जो रेड फोर्ट है आगरा का, इसके सामने अंधेरे का टाइम है और बड़ी जल्दी पहुंचा दिया उन्होंने। मुश्किल से 35 से 40 मिनट लगे होंगे मथुरा से आगरा पहुंचाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फुली क्लियर रूट था ना, तो बढ़िया सीधे चले आए हम लोग। और यहाँ पे आने के बाद जगह जगह तो पेठे देखने को मिल रहे हैं, और देखते हैं कहाँ पे अब टाइम थोड़ा बहुत मतलब स्पेंड करना पड़ेगा 6 बजे तक की, देखते हैं क्या रहता है और जो भी रहेगा इंजॉय करेंगे अभी सुबह तक 6 बजे। ये हम लोग आगरा मेन आगरा के स्टेशन के पास हैं, और ये यहाँ के पेठे हैं काफ़ी डिजाइनी है, यहाँ पे मतलब आके विजिट कर सकते हैं स्टेशन रोड पर मेन। एक्चुअली सुबह सुबह फिलहाल नाश्ता चल रहा है और बिस्किट विस्किट और मंगा ले लेते हैं। अभी फिलहाल 4 बज रहे हैं और अभी हम लोग को 2 घंटे वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। 6 बजे की ट्रेन है, यहाँ से 6 बजे निकलेंगे उन्नाव के लिए हमें। हाँ, आगरा प्लेटफॉर्म पे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और 2 घंटे वेट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे अभी गए थे रेड फोर्ट के लिए, तो वो भी बता रहे थे, कह रहे थे यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है। वैसे तो आर्मी अंदर रुकी हुई है, पर थोड़ा बस्ती वस्ती टाइप में एरिया है आसपास का, तो वहाँ रुकना सही नहीं है। और हम लोग के पास काफ़ी महंगे गैजेट है, फ़ोन हो गए और कैमरे वैमरे हो गए, अगर नुकसान हो सकता है, ऑलरेडी एक नुकसान हो चुका है कल, तो फिर अब निकलते हैं यहाँ से। नुकसान के बारे में बताया नहीं है किसी से भी, निकल रहे हैं फिलहाल और देखते हैं आगे। प्लेटफॉर्म पे पहुंच के वेट करेंगे 2 घंटे और फिर 6 बजे जो ट्रेन निकलेगी तो 9 के लिए वहाँ से निकल लेंगे। चलिए साथ में बने रहिए, कंटिन्यू दिखाते रहेंगे लास्ट तक। काफ़ी बड़ी हो गई थी तो जो है वीडियो को काफ़ी पार्ट में डिवाइड किया है उन्नाव के लिए। ट्रेन काफ़ी देर से खड़ी थी पर हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रहे थे, अब जा रहे हैं और बोल रहे हैं आगरा को बाय बाय। लास्ट टाइम भी से करते हैं आगरा का। वैसे तो स्टेशन है कुछ खास नहीं, और जा रहे हैं ट्रेन में मतलब सीट ढूंढनी पड़ेगी, फिर बाद में चार्जिंग करना पड़ेगा, चार्जर साथ में लेकर घूम रहे हैं, चार्जर बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर सीट पकड़ते पहले, और सीट दोनों मिल गई है और अब हम लोग खड़े हैं रेड फोर्ट के सामने। लास्ट ट्रेन में भी स्टेशन के जस्ट बगल में मस्जिद बनी हुई है और बैक साइड पे फोर्ट भी है, पर वहाँ का व्यू नहीं आ सकता क्योंकि काफ़ी दूर है वो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये अपना स्टेशन अपनी सबसे लास्ट में गोगी अपनी है, और व्यू वैसे बहुत बढ़िया है यहाँ का, उस साइड से दिखाते हैं आपको। सीट पे ले दो, चार्जिंग की जगह चली गई। नाव इंटर कर गए और ट्रेन रुक गई नहीं, निकल गई, उसका वीडियो तक नहीं ले पाए और गला ऐसे बैठ गया जैसा सबसे ज़्यादा वहाँ पे हम ही ने नारे लगवाए हैं राधे राधे। मज़ा आ गई है पर जुबान पर राधे राधे बस गया है, और अब जा रहा है बहुत वहाँ पे ऐसा एनर्जी फील हो रही थी, लग ही नहीं रहा था कि थकावट मतलब फील ही नहीं हो रही थी, और यहाँ पे आने के बाद अब ऐसा लग रहा है बस जाके खाना खा के सो जाओ घर पे आके। तो घर जा रहा है फिलहाल और ब्लॉग को यहीं से एंड कर रहे हैं, अब ब्लॉग बनाने की क्षमता खत्म हो गई है और ब्लॉग लाएंगे नेक्स्ट डे से कल से। चलिए फिर यहाँ का ब्लॉग यहाँ से खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।